हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और अभी बजी है गाइस सुबह की 7 और मैं अभी आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि आज मान्या इनके स्कूल जाना नहीं है क्योंकि चेन्नई में आज थोड़ा सा अलर्ट घोषित किया गया है, तो इस वजह से आज मान्या और इनके स्कूल की छुट्टी है। थोड़ा साइक्लोन का इफेक्ट है इस वजह से मतलब आज छुट्टी है। और सर ऑफिस जाने मतलब हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब देखते हैं क्योंकि जो डेली मेट्रो चलती है गाड़ियाँ जो ट्रेन चलती है वो बहुत कम चल रही है, तो अब हस्बैंड भी ऑफिस जा पाएंगे या नहीं क्योंकि कंटिन्यू रात भर से बारिश हो रही है। और मतलब अभी जो बारिश का इफेक्ट है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस है ना, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी आपको, मैं सीधा बताऊंगी मतलब सीधा दिखाऊंगी, देखिए आप है ना, ये है आज का नज़ारा सुबह सुबह का नज़ारा देखिए गाइस, बिल्कुल है ना ओवरफ्लो हो चुका है, सब तरफ पानी पानी हो गया है। और पता है मैं जब से उठी हूँ ना तो मैं बस वो सामने जो घर है ना उसी को देख रही हूँ, मतलब उसमें रहने वाले लोगों की क्या हालत हो रही होगी। मतलब एक घर नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत घर हैं जो पानी में मतलब इतने इतने डूब चुके हैं, और सामने वो घर भी है, वो घर भी है, और इधर पीछे की तरफ भी बहुत मतलब सिंगल सिंगल जो स्टोरीज के मकान हैं वो सारे हैं ना इस तरह से पानी में थोड़े थोड़े डूब गए, यानी पानी अंदर के रूम तक पहुँच गया होगा। तो गाइज आज का सुबह सुबह का नज़ारा कुछ कह नहीं सकते, अच्छा नहीं लग रहा है टोटल मिला के, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जिनके छोटे बच्चे होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी। और ये है गाइज साइक्लोन का इफेक्ट, डेली रेगुलर बारिश आ रही है डेली, लेकिन आज मतलब कल रात से तो कुछ ज़्यादा ही बारिश आ रही है, हवाएं भी बहुत तेज चल रही है और सुबह से लाइट भी नहीं है। और ये देखिए गाइस बिल्कुल एकदम से काला काला सा अंधेरा हो रखा है। अब इस पानी को मतलब सूखने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर में पानी भर चुका है ना तो उनकी तो हालत बहुत खराब हो गई है। अभी मैं और मान्या दोनों नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो फोन है ना वो सारे डेड हो चुके हैं, सबकी बैटरियां खत्म हो गई है। और मतलब नीचे पार्किंग में गाड़ी है तो वहां से हम लोग गाड़ी से चार्ज करेंगे। और है ना हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकले थे लेकिन है ना मतलब एक ट्रेन में बैठे और दूसरी ट्रेन जहाँ से उनको चेंज करनी थी तो वहां से आगे ट्रेन ही नहीं थी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो आज उनके भी ऑफिस में मतलब छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो चाहती हूँ गाइस मैं नीचे और हस्बैंड वापस आ गए हैं घर पे आज उनकी छुट्टी है। इधर हमारे लैंडलॉर्ड रहते हैं और इधर गाइस नीचे है पार्किंग, और अब मैं गाड़ी में सारे फोन लगाती हूँ और थोड़ी देर चार्ज करती हूँ फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। लुलू खोली गाड़ी, हाँ दोनों लगा दिए फोन, तो पावर बैंक भी लगा दो, थोड़ी देर हो जाएगा ना तो सही रहेगा, लगाओ गाड़ी स्टार्ट की, चलो आ जाओ। वो सारे सामने घर है ना वो इतने इतने डूब चुके हैं और हवा भी इतनी तेज चल रही है ना, शायद आपको मेरी आवाज ना आ रही हो। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना गाइस है ना, ये मतलब पीछे एक लेक है जो शायद आपको पता हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी मनसावाचा उद्यापन का, तो है ना उस लेक में से आ रहा है सारा पानी क्योंकि वो ओवरफ्लो हो चुकी है, रात भर पानी आया इस वजह से। और कल जा रहे हैं, ओह मेरे पानों पैरों में पानी आ गया, जाके नहाना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब सब लोग बता रहे हैं कि जो जिधर हस्बैंड का ऑफिस है ना उस तरफ है ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो इस वजह से उधर तो ट्रेन भी मतलब बंद हो गई है, उधर ट्रेन भी नहीं चल रही है। चलो डोलू अंदर आ जाओ, पानी उड़ेगा,
अच्छा अच्छा जल्दी से क्या हुआ? ये आ गया पानी। डेली बीच पे जाते हैं ना, तो आज घर पे ही बन गया बीच। पानी बहुत ज्यादा है गाइस, लेकिन क्या है ना कि जो हमारा जो मकान बना हुआ है ना, उसका थोड़ा अंकल ने हाइट लेके और फिर मकान बनाया, इस वजह से ठीक है, थोड़ा सेफ है हमारा। हमने क्या है ना कि शूट करने के लिए गेट खोला, लेकिन हम मान्या से गेट ही नहीं बंद हो रहा। अरे वो डोलो पानी में गिर जाओगे, रुको रुको मैं आ रही हूँ, रुक जाओ मैं खींचती हूँ, लेकिन आप भी आओ ना, अपन दोनों मिलके करते आओ। वो थे ना मकान नया है ना, तो इस वजह से गेट भी है ना सारे हो गया, हो गया, हम दोनों बहुत भीग चुके एकदम। चलो अब जाके नहाना पड़ेगा। सभी मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि जो एसी लगाया हुआ है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा होल है रूम में, तो वहाँ से कंटिन्यू पानी आ रहा है नीचे रूम में, और पूरा रूम में पानी पानी हो गया है। तो वहाँ पर मैं कुछ कपड़ा हो या कुछ प्लास्टिक का हो तो मैं ढक देती हूँ। हवा के साथ बारिश हो रही है। तो जहाँ से रूम में पानी आ रहा था जिस होल से, तो वहाँ पे मैंने है ना एक डंडे से एक कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके और मैंने उसमें डाल दिया है। आई थिंक अब शायद नहीं आए पानी, लग तो वहीं से रहा था कि वहीं से पानी आ रहा है। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए मेरे पीछे कितनी हवा चल रही है। मान्या बिल्कुल भीग चुकी है, वो कब से नाच रही है पानी में। चलो बेटा बीमार हो जाओगे अब, चलो 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 सीधा अब नहाना पड़ेगा। अब भी आ गए ऊपर, क्या कह रहे हो? फिर से आ गया क्या आपने? क्या एक आदमी को पानी में गिर गया, पानी में फिर के नीचे गिर के हाँ क्या बोलना, उसको चक्कर आ गया। हाँ। वो पानी में गिर गया। अच्छा। अच्छी तरह करके पूरा हाँ हाँ। गर्म करके उसको फिट सा गया फिर। अच्छा। फिट सा आने के बाद फिर उसको उसको बिठा दिया। हाँ हाँ। अच्छा। वो पानी में जाएगी तो फिर फिट सा आएगी, उधर ही बैठा है, पानी की अपोजिट में बैठा है। अभी हुआ, अभी हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ। आंटी बता रहे हैं कि कोई अंकल ऐसे पानी में चल रहे होंगे, मतलब अब इतना पानी भर गया है, काम भी सारे जरूरी तो होते ही है, तो कोई अंकल इस तरह से बाहर निकले होंगे तो वो पानी में गिर गए और फिर बेहोश हो गए। तो अब तो बारिश रुक जानी चाहिए। तो गाइस हमारी कैंडल लग चुकी है, क्योंकि आज हमारे घर में लाइट नहीं है, यानी पूरे चेन्नई में लाइट नहीं है, और मैं भी है ना मंजुलिका बन के अंधेरे में कैंडल लगा के आपके सामने बैठ गई हूँ। हॉरर मूवी वाली मंजुलिका लग रही होंगी ना। क्योंकि बाल भी खुले खुले से हैं। तो गाइज साइक्लोन का इफेक्ट तो है ही है, क्योंकि बहुत मतलब सब जगह पे पानी पानी हो गया है, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी भी भर गया है, और मतलब लोग मतलब परेशान भी हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कल नेक्स्ट और क्या मतलब स्थिति रहती है साइक्लोन की। लगता नहीं है कि ये ना मतलब बारिश रुकेगी, अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। The next morning. Good morning guys. आज है दूसरा दिन और लाइट तो है ही नहीं, कल से दो दिन हो गए कल से लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से पानी की काफी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, यानी पीने वाले पानी का। वो वाला पानी तो चलो है, ऊपर नहाने धोने का पानी तो है, अभी तक चल रहा है, लेकिन पीने के पानी को लेके थोड़ी समस्या हो गई है। नीचे आंटी है, उनसे शाम को हम पानी लेके आए थे वहाँ से,
और अभी तक चल रहा है वो पानी। अब सोच रहे हैं कि खाना कैसे बनाया जाए, खाना बनाने में तो पानी की जरूरत तो होती है तो देखते हैं कुछ करते हैं। और वहाँ से कल पानी है ना आ रहा था, एसी के बैक साइड जो होल होता है वहाँ से सारा पानी आ रहा था अंदर, और पूरे रूम में पानी पानी सा हो गया था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से है ना सारा फर्नीचर भी निकाल दिया। अभी तो बहुत कम पानी है, लेकिन मैंने कपड़ा डाला ना वहाँ पे जाके उस होल में, इसके बाद भी पानी पानी है गाइस। देखिए अभी भी हो रहा है सारा पानी पानी। तो खैर अभी बारिश रुक गई है, अब इस पानी को करते हैं साफ। अब नहीं आएगा क्योंकि बारिश रुक चुकी है और साइक्लोन भी शायद आगे बढ़ गया है। तो करते हैं रूम की सफाई और दिखाती हूँ गाइस बाहर का व्यू। कल से जो मैंने पानी आपको दिखाया था ना उससे भी ज़्यादा भर गया आज तो पानी। तो बच्चे भी उठ गए हैं और मेरा ये वाला बच्चा भी उठ चुका है और उठ के सीधा बाहर आया है। क्या देख रहे हो बाहर? पानी। हाँ पानी कल से पानी तो देख रहे हैं, पानी तो देख रहे हैं सब तरफ है, बिना लाइट के पानी पानी तो हो रहा है। और गाइस आज तो है ना धूप भी निकल गई है और है ना बादल भी साफ हो गए हैं और बारिश भी बंद है। आज तो बारिश नहीं आ रही है लेकिन बारिश ने अपना इफेक्ट छोड़ दिया है। देखिए गाइस अब ये कब तक ख़त्म होगा पानी पता नहीं। बस वो बेचारे सामने वाले है ना उनका क्या हो रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे घर हैं इस लाइन में, सबका तो डबल स्टोरेज नहीं होता ना, तो सिंगल भी बहुत सारे हैं। बारिश और तैशु को हो रहा था फीवर है ना बेटा, कल रात को एंटीबायोटिक दिया है तो अब थोड़ा सा रिलीफ है इसको। तो गाइस करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड, और थोड़ा और बुखार आ गया है और घर में पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। जितना भी था हम लोगों ने दो दिन मतलब उसको यूटिलाइज कर लिया है और बिल्कुल खत्म हो गया है पानी। तो अब करते हैं पानी की व्यवस्था पीने के लिए और खाना वगैरह बनाते हैं। और ये बाहर जो पानी है वो तो पता नहीं अब कब सूखेगा। और आज भी है ना मतलब छुट्टी है, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे मतलब घोषित कर दिया गया है। मेरे बाल खड़े हो गए क्योंकि है ना मैं फिल्टर वगैरह नहीं लगाती हूँ, जैसे नेचुरली शूट कर लेती हूँ तो गाइस थोड़ा सा बाल बाल खड़े हो गए मेरे। तो आज गवर्नमेंट हॉलीडे मतलब घोषित कर दिया गया है क्योंकि सब तरफ चेन्नई में सब तरफ पानी 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 हो गया है। तो
सब घर पे ही हैं, बच्चे हस्बैंड सब घर पे ही हैं, अब खाना वाना बनाते हैं और करते हैं इस वीडियो को बस यहीं पर एंड। कैसा लगा आज का वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एक्सप्लोर विद खराड़ी रेखा को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ है ना बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, है ना, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।